आज उत्तर प्रदेश में यदि बसपा की सरकार होती तो काश इस बिल्डिंग की, इस भवन की, काशीराम आवास का काया पलट होता, काफ़ी सुंदर दिखने को लगता। लेकिन जो यहाँ समस्या है आप देख सकते हैं, नगर पालिका के ये कूड़ा स्थान किस तरह से जर्जर पड़ा हुआ है, झाड़ खंजाड़, नालियाँ बजबजा रही हैं। आप समझ सकते हैं लोग कैसे इस आवास में घुसेंगे, कैसे समस्या का समाधान होगा। तो जब उत्तर प्रदेश में 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो एक प्रयास था बसपा सुप्रीमो का, मुख्यमंत्री का, कि जिनके पास आवास नहीं है उन्हें रहने का भी एक अधिकार है, उसके तहत ये काशीराम आवास बना। उसके बाद काशीराम आवास जब तक सरकार थी तब तक बहुत अच्छा था, लेकिन सरकार के जाने के बाद, बसपा सरकार के जाने के बाद, इसकी हालत पहले से बहुत ख़राब है। और तमाम लोग इसको लेकर अधिकारियों के यहाँ, तमाम लोगों के यहाँ प्रयास किए कि यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था हो जाए, साफ़ सफाई हो जाए, बिल्डिंग का रंग रोपण हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार हो या फिर योगी सरकार हो, ये दोनों सरकारों ने इस बिल्डिंग पर, इस भवन पर उसका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं गया, जिसके चलते ये बिल्डिंग जर्जर होती जा रही है और समस्याएँ जस के तस पड़ी हुई हैं। वोट की राजनीति होती है, वोट लेने की बात होती है, लेकिन इस बिल्डिंग, इस भवन को कैसे चमकाया जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर कोई विशेष काम नहीं होने के कारण आज ये बिल्डिंग जो है अपने हाल पे आंसू बहा रही है। आप देख सकते हैं रास्ता भी पूरी तरह से खराब पड़ा हुआ है। हम इस समय जीरा बस्ती में हैं, केंद्रीय विद्यालय मार्ग है, रास्ता पूरी तरह से जर्जर है और इस बिल्डिंग का, इस मार्ग का कब दशा सुधरेगा ये तो भविष्य के गर्म है। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही, देखते रहें यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।